अमूमन आपने देखा होगा ना कि टीवी पर सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के दौरान एक सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी चीजें जिनके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलते, या आपसे भी कभी कोई आम तौर पर बातचीत के दौरान पूछ ले तो आपका जवाब शायद होता है कि हैंकरचीफ, पर्स, मोबाइल या शायद कार या घर की चाबियां। लेकिन एक चीज हम सभी अक्सर बताना भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसे शायद साथ ले जाना ही भूल जाते हैं, और वो है चेहरे पर मुस्कुराहट, होठों पर एक मंद मंद मुस्कान। बहुत बहुत जोर लगता है ना आजकल मुस्कुराने में, और खासकर बिना वजह के। आप जानते हैं विज्ञान क्या कहता है, एक बच्चा या अधिकतर बच्चे एक दिन में लगभग 400 बार मुस्कुराते हैं। लेकिन वही बच्चा जब व्यस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो यदि वो खुशमिजाज है तो लगभग दिन में 40 बार, और अगर साधारण सा इंसान बन गया है तो शायद सिर्फ 20 बार एक दिन में मुस्कुराता है। क्यों? और आपने देखा है खासकर इस मुस्कुराहट की तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब दिन खराब चल रहे हो, या जीवन में संघर्ष बढ़ गया हो, या आप बार बार गिर रहे हो, फेल हो रहे हो, और तभी हम इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर सजाने में संकोच करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सुनकर कई लोग कह रहे होंगे, कहना आसान है परंतु जिसके ऊपर विपत्ति आती है, मुश्किल आती है, उससे पूछ कर देखो कि विपत्ति के दौर पर, दुख की घड़ियों में मुस्कुराना कितना कठिन होता है। बिल्कुल मानता हूं आपकी बात कि मुस्कुराहट मुश्किल में, विपत्ति में बहुत मुश्किल से आती है। लेकिन आप सबने रामानंद सागर की वो पुरानी वाली रामायण देखी होगी ना, जिसमें अरुण गोविल जी ने वो भूमिका निभाई थी रामचंद्र जी की। आपने देखा था अक्सर उनके चेहरे पर एक मंद मंद सी मुस्कुराहट बनी रहती थी, तब भी जब वो अयोध्या में राजा बनने वाले थे, और तब भी जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तब भी जब वो जंगल में सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे, और तब भी जब सीता जी का अपहरण हो गया और वो बाली या सुग्रीव से मिले, उस समय भी, मुश्किल घड़ियों में भी, उस तलाश के कठिन दौर में भी वो अक्सर मुस्कुराया करते थे। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसका अर्थ है वो पूरी मानव जाति को ये सिखाना चाहते थे कि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये सिर्फ खुशियों के पलों में नहीं, सिर्फ प्रसन्नताओं को दर्शाने के लिए नहीं, दुख के समय, संघर्ष के दौरान आपकी शक्ति बढ़ाने में भी काम आती है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मुस्कुराओ, नायाब मिट्टा नाम की एक लड़की की एक बहुत प्यारी कविता थी, मुस्कुराओ, कुछ टूट गया है तो मुस्कुराओ, कुछ चोरी हो गया है तो मुस्कुराओ, कुछ अधूरा रह गया है तो मुस्कुराओ, क्योंकि शायद मुस्कुरा कर ही आप जीवन जीने की सही कला को सीख सकते हैं। आप जानते हैं वो क्यों वायरल हुआ? क्योंकि हर एक इंसान उससे रिलेट कर रहा था। ये रिलेट नहीं कर रहा था कि वो अक्सर मुस्कुराता है, हर एक देखने वाला इंसान ये सोचकर रिलेट कर रहा था कि हां, शायद ये बात तो मुझे पता है कि मुस्कुराना चाहिए और मुस्कुराना कितना अच्छा होता है, लेकिन शायद फिर भी मैं मुस्कुराता नहीं हूं और मुझे एक रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। हर कुछ दिन में कोई मुझे याद दिलाने वाला चाहिए कि जब दिन और जिंदगी ठीक नहीं चल रहे हो तब भी मुस्कुराना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको रिमाइंडर की जरूरत है तो समझ लीजिए कि आज की मेरी ये मेरी बातें, ये मेरी कविता या कहानी, जो भी कह लें इसे, ये एक रिमाइंडर है। मैं फिर रिमाइंडर लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वजह हो तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो बेवजह मुस्कुराते रहिए। बात मानिए, बहुत फायदे होंगे।
इस मुस्कुराहट से। शुक्रिया, मुस्कुराते रहिए।